आरएस कॉन्फ़िगरेशन, यह जो आरएस कॉन्फ़िगरेशन जो ऑर्गेनिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का टॉपिक है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ साथ यह कंसेप्चुअल भी है और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है और खूबसूरती को जो है सो हर लोग डिमांड करते हैं। तो यानी यह जो क्वेश्चन जो बनता है, यह जो है सो जितना क्वेश्चन इस पर आरएस कॉन्फ़िगरेशन पर जो बनता है वो उतना ही खूबसूरत क्वेश्चन भी होता है। इस वजह से जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होती है उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हर एक एग्जाम में इस आरएस कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन दिया ही जाता है और इसमें जो है सो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है सो इस क्वेश्चन में फेलवर भी होते हैं। जिनका कंसेप्ट क्लियर रहता है वह जो है आसानी से इस क्वेश्चन को पिकअप कर लेते हैं। लेकिन यह जो आरएस कॉन्फ़िगरेशन जो है यह बहुत ही, हम मानते हैं कि यह जो है बहुत ही इजी टॉपिक है, इससे कोई टॉपिक इजी हो ही नहीं सकता है। बस केवल थोड़ा सा जो है सो इस पर ध्यान देने वाली बात है, यह क्वेश्चन जो है सो आप कभी भी गलत करके नहीं आएंगे, यह मेरी जो है सो प्रॉमिस है। तो आप देखिए कि इसको जो है सो मैंने पहले भी बताया था कि मैं जो भी कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताऊंगा वह कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी मेथड में मैं बताऊंगा, जो कि आप उसे क्वेश्चन कभी भी जो है सो मिस्टेक उस क्वेश्चन पर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इस आरएस कॉन्फ़िगरेशन जो मैं अभी जो बताने जा रहा हूं, तो यह जब क्वेश्चन पर जब स्ट्राइक लेंगे और मेरे कॉन्सेप्ट यदि आपके पास यदि है तो जो है सो जरूर एक बार याद करेंगे कि सर भी क्या कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो अब देखिए यह जो फिशर प्रोजेक्शन, मतलब यह जो आरएस कॉन्फ़िगरेशन जो है, इस आरएस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग टू टाइप में डिवाइड करते हैं, एक फिशर प्रोजेक्शन और दूसरा वेजडेस प्रोजेक्शन। यानी जो कहा जाता है कि जैसे हम लोग आरएस कॉन्फ़िगरेशन को देखे थे, इजेट सिस्टम को देखे थे, इसी तरह से नोमेनक्लेचर का एक ये भी जो है सो कॉन्सेप्ट है जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की जब बात करते हैं उस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इस आरएस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग चर्चा करते हैं। और यह जो आरएस कॉन्फ़िगरेशन जो है, इस आरएस कॉन्फ़िगरेशन को जो है एक टू डायमेंशन और दूसरा जो है सो थ्री डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? तो वह कंपाउंड जो है जिसमें काइरल कार्बन प्रेजेंट है। यानी यह जो ऑप्टिकल जो कंपाउंड जो होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होता है, उस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को इस आरएस कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत देखते हैं, जिसमें टू प्रोजेक्शन, वन इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन एंड अदर इज कॉल्ड वेजडेस प्रोजेक्शन। तो फर्स्ट हम लोग यह जो है सो फिशर प्रोजेक्शन को लेके चलते हैं। अब फिशर प्रोजेक्शन में तीन चार पॉइंट बताएंगे, बस केवल वो तीन चार पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, यह क्वेश्चन जो है सो आप सोल्व करके आएंगे। अब देखिए यह जो फिशर प्रोजेक्शन है, इस फिशर प्रोजेक्शन में सबसे पहले प्रायोरिटी, प्रायोरिटी तो प्रायोरिटी क्या होता है? तो प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता, जिसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, सेकेंड प्रायोरिटी देते हैं। जैसे जो बच्चा जो है सो कोई मेडिकल में या इंजीनियरिंग में या ट्वेल्थ बोर्ड में टॉप करता है तो उसको हम लोग फर्स्ट बोलते हैं, उसी तरह सेकंड बोलते हैं, उसके बाद थर्ड बोलते हैं। और जो तो इस तरह से जो है इसमें प्रायोरिटी की चर्चा करते हैं। तो प्रायोरिटी को जो है सो हम लोग सबसे फर्स्ट जो है या फोर टाइप में डिवाइड करते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है इसको लिखते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी, और फिर लिखते हैं सेकेंड प्रायोरिटी, और इसके बाद थर्ड प्रायोरिटी, इसके बाद जो है फोर्थ प्रायोरिटी। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है इसको हम लोग कहते हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी, यानी हाईएस्ट प्रायोरिटी। और ये जो फोर्थ प्रायोरिटी जो होगा वह जो है लोएस्ट प्रायोरिटी के नाम से जानते हैं, लोएस्ट प्रायोरिटी। बाकी यह जो है सेकेंड, तो इसको क्या लिखेंगे? सेकेंड हाईएस्ट प्रायोरिटी, सेकेंड हाईएस्ट प्रायोरिटी। और यह जो थर्ड जो है इसको क्या लिखेंगे? यह सेकेंड लोएस्ट प्रायोरिटी लिखेंगे, सेकेंड लोएस्ट प्रायोरिटी प्रायोरिटी। बस इतना ही जो है सो आप ध्यान रखेंगे। तो यह प्रायोरिटी की बात हम लोग किस पर करेंगे? तो प्रायोरिटी की बात जो है सो एटॉमिक नंबर ऑफ एटम की बात करेंगे। इसका मतलब यहां से हम लिख सकते हैं कि यह जो प्रायोरिटी जो होगा, प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे कि प्रायोरिटी हम लोग कैसे देंगे, तो एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी, जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसको सेकंड प्रायोरिटी बोलेंगे। अब जो है यह प्रायोरिटी की बात जब करते हैं, इसका मतलब है कि यह प्रायोरिटी हम लोग देखेंगे कैसे, तो जो एटम
कार्बन से जो अटैच होगा, सेंट्रल एटम से जो अटैच होगा, यानी सेंट्रल एटम कहने का मतलब कि जो कायरल कार्बन होगा वह कायरल कार्बन से जो अटैच होगा या कार्बन एटम से जो कायरल एटम से जो अटैच होगा उसको जो है सो हम लोग क्या बोलेंगे, वही जो है सो एटम जो होगा उसी उसी से मतलब जो कायरल एटम जो होगा उस कायरल एटम या कायरल कार्बन जो होगा उस कायरल कार्बन से जो डायरेक्टली एटम अटैच होगा उस डायरेक्टली एटम को जो है हम लोग एटॉमिक नंबर की चर्चा करेंगे और उसी एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी देखेंगे, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, जो ज्यादा होगा जिसका एटॉमिक नंबर उसको फर्स्ट प्रायोरिटी और जिसका कम होगा उसको जो है सो लोएस्ट प्रायोरिटी की बात करेंगे। तो अब देखिए अब डायरेक्ट जो है सो हम लोग एग्जाम्पल पर आते हैं और वह जो है एग्जाम्पल से इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। लेकिन एग्जाम्पल से प्रूफ करने के पहले एक चीज और मैं बता देता हूँ कि जैसे यह जो कोई कंपाउंड है यहाँ पर लिखा हुआ COOH और यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH है और यहाँ पर H है। तो देखिए यह जो कार्बन जो होगा इस कार्बन को जो है सो हम लोग लिखते हैं कायरल कार्बन, इसका मतलब ये कंपाउंड जो है सो कायरल होगा, चूंकि ऑप्टिकली एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो ऑप्टिकली एक्टिविटी की बात जब कर रहे हैं तो उसमें जो है सो कायरल कार्बन है ही और यह कायरल कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, इस वजह से ये चारों जो ग्रुप जो लगा हुआ है इस ग्रुप में जो एटम जो डायरेक्टली बॉन्डेड है कायरल कार्बन से उसकी प्रायोरिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है सो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि प्रायोरिटी प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स एटम विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू काइरल कार्बन और एटम्स, ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए यह जो काइरल कार्बन से जो है तो इसमें देखिए कि इसका एटॉमिक नंबर जो है सो कितना होगा, तो इसका एटॉमिक नंबर जो है सो ज्यादा होगा 6, इसका मतलब है कि इसको हम सॉरी 8, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं यह हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो यह जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो होगा हाईएस्ट प्रायोरिटी और भी इसको लिखते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी, तो फर्स्ट प्रायोरिटी दे देंगे। अब यह जो कार्बन जो है इस कार्बन डायरेक्टली इस काइरल कार्बन से अटैच है, इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका भी एटॉमिक नंबर कितना होगा 6, तो ऐसे सिचुएशन में ये दोनों तो सेम है तो ये सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे। तो अब इसके जस्ट बगल वाले जो एटम है जैसे ये ऑक्सीजन है यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, तो ये जो ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा इस हाइड्रोजन से, इसका मतलब है कि यह जो कंपाउंड ये ग्रुप जो लगा हुआ है इस कंपाउंड में इसमें इसको सेकेंड प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे सेकेंड प्रायोरिटी। अब देखिए यहाँ पर जो है ये जो एटॉमिक नंबर 6 है तो ऐसे स्थिति में इसको और इसमें जब बात करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 6, ज्यादा इससे इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे थर्ड प्रायोरिटी और ये जो होगा ये फोर्थ प्रायोरिटी, सबसे कम जो है इसका एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको ये फोर्थ प्रायोरिटी होगा और इसी फोर्थ प्रायोरिटी को और भी लिख सकते हैं लोएस्ट प्रायोरिटी। तो इस सिचुएशन में जो है यह जो ग्रुप जो लगा हुआ इसके अकॉर्डिंग जो है सो हम लोग इस प्रायोरिटी की बात कर लेंगे। अब जो है फिर इस कंपाउंड को मैं लेकर चलता हूँ और तब जो है सो फिर एक कंसेप्ट इस पर और है और इस कंसेप्ट को हम लोग जो है सो फिर देख लेते हैं। अब देखिए फिर से इस कंपाउंड पर जब आते हैं तो यहाँ पर COOH ग्रुप और यहाँ पर OH ग्रुप, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर जो है CH3 ग्रुप होगा। अब देखिए यह जो ग्रुप जो लगा हुआ है यह वर्टिकल लाइन है, इसको क्या बोलेंगे वर्टिकल लाइन, और यह जो लाइन जो है इस लाइन को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। बस इस टू लाइंस को ध्यान रखेंगे, यह जो वर्टिकल लाइन जो होगा जिसमें यह जो ग्रुप लगा हुआ है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको जो है सो हम लोग लिख सकते हैं टुवार्ड्स व्यूअर, टुवार्ड्स व्यूअर, और यह जो ग्रुप होगा इसको क्या लिख सकते हैं अवे व्यूअर, अवे व्यूअर। बस इतना ही जो है आपको याद रखने की जरूरत है कि इस कंपाउंड में टू लाइन है, ये टू लाइन एक वर्टिकल होगा और दूसरा हॉरिजेंटल होगा। अब जो है इतना करने के बाद अब जो है इसको हम इस फिशर प्रोजेक्शन में जो है
या आर कॉन्फ़िगरेशन देगा या एस कॉन्फ़िगरेशन देगा, इस आर एस कॉन्फ़िगरेशन को अभी जैसे हम लोग देखेंगे इसके ग्राउंड पर। तो फिर से यह जो है सो फिगर को मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद जो है सो फिर हम लोग इस पर देखते हैं एस सी ओ एच ग्रुप, ओ एच ग्रुप, और यहाँ पर क्या लगेगा सी एच थ्री, और यहाँ पर एच। तो अब जो है इसमें देखेंगे यह जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, और यह जो है सो इसको हाइएस्ट लिखेंगे, यानी इसको और भी लिख सकते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी या हाईएस्ट, और इसको क्या लिखेंगे फोर्थ प्रायोरिटी। अब जो है सो इसमें ध्यान रखना है यह जो रूल फर्स्ट है, इस रूल में फर्स्ट में क्या करेंगे कि यह जो है यह जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, अब इस हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को देखेंगे कि यदि यह जो हाइड्रोजन जो है, या फिर इसको एक और इस कंपाउंड को फिलहाल मैं चेंज करता हूं, उसके बाद जो है सो मैं फिर बताऊंगा इस पर। देखिए यहाँ पर मैं लिख दूँ H, यहाँ पर OH, और यहाँ पर मैं लिख दूँ सी, यहाँ पर मैं डाल दूँ सी ओ ओ एच, और यहाँ पर सी एच थ्री। ठीक है, बस क्वेश्चन को मैं चेंज कर दिया हूँ। देखिए ये फर्स्ट प्रायोरिटी, और ये जो है सो क्या होगा फोर्थ प्रायोरिटी, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो अब जो है फर्स्ट प्रायोरिटी को जो है हम जब यहाँ से लिखेंगे कि जब वन से टू के तरफ जब मूव करेंगे, वन से यानी ये जो है सो इसको फर्स्ट लिखें, इसको जो है सो फोर्थ, इसको क्या लिखेंगे सेकेंड, और इसको क्या लिखेंगे थर्ड। तो अब जो है देखिए कि वन से टू के तरफ जब मूव करेंगे, वन से टू के तरफ जब मूव करेंगे, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप का पोजीशन देखेंगे कहां पर है, वर्टिकल लाइन पर, इतना ध्यान रखना है। जब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है, यानी लिख सकते हैं यहां से कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, प्रायोरिटी ग्रुप कहां होगा वर्टिकल लाइन पर, वर्टिकल लाइन पर जब होगा तब वन से टू के तरफ जब मूव करेंगे, वन से टू के तरफ जब मूव करेंगे, यदि हम क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज यदि चलते हैं तो आर कॉन्फ़िगरेशन, और यदि एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज तो क्या बनेगा एस कॉन्फ़िगरेशन। बस इस लाइन को अब ध्यान रखना है कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जब वर्टिकल लाइन पर हो, वन से टू के तरफ जब मूव करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो आर, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एस, ध्यान है। अब ऐसे स्थिति में देखिए ये फर्स्ट वन से टू किधर जा रहे हैं, वन से टू, वन से टू के तरफ जब जा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्या लिखेंगे क्लॉक, क्लॉकवाइज तो क्या बनेगा आर कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां से क्या बनेगा आर, प्रॉब्लम सोल्व। अब जो है यह जो कंसेप्ट, अब जो है इसके बाद जो है आइए, अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यह जो है ग्रुप है, इस ग्रुप को मैं हटा देता हूं। देखिए यह ग्रुप को हटाने के बाद जो है इसी ग्रुप पर ही बनाएंगे, लेकिन पोजीशन केवल चेंज कर देता हूं, सी ओ ओ एच और सी एच थ्री, और यहां पर क्या होगा एच। अब देखिए यहां पर क्या होगा, ये फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप, और ये बनेगा सेकेंड प्रायोरिटी ग्रुप, ये थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप, और ये क्या होगा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप। ठीक है, अब जो है देखिए ये लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किस पर है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किस पर है, वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइन पर, हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल लाइन, बस ये ध्यान रखना है। और जब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजेंटल लाइन पर होगा तो वन से टू के तरफ मूव करेंगे, वन टू, वन से टू के तरफ मूव करेंगे, किधर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या लिखेंगे देखिए, तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन हॉरिजेंटल लाइन, देन वन टू टू, जब वन से टू के तरफ जब मूव करेंगे तो यहां से ये क्लॉकवाइज क्या बनेगा एस कॉन्फ़िगरेशन, और एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक तो क्या बनेगा
आर कॉन्फिगरेशन, जस्ट उल्टा, ठीक है। अब देखिए वन से टू एंटी क्लॉक में, तो जब एंटी क्लॉक में जा रहे हैं तो क्या बन रहा है, आर कॉन्फिगरेशन। प्रॉब्लम सॉल्व है ना, दो तीन रूल में बताया हूं, दो तीन रूल में जो है यह प्रॉब्लम जो है, चाहे कितना बड़ा भी प्रॉब्लम हो आप इस पर जो है सो सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद एक रूल और मैं बता देता हूं कि यह जो है कंसेप्ट में, अब जो क्या करेंगे कि जब वन से टू के तरफ जाना होगा, यानी इसको हम लिखेंगे थर्ड, तो जब वन से टू के तरफ, वन से टू के तरफ जब मूव करना होगा तो किधर से करेंगे, वन से टू के तरफ, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि वन से टू के तरफ जब मूव करना होगा तो ऐसे स्थिति में हम फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप के तरफ से मूव करेंगे, थर्ड के तरफ से नहीं मूव करेंगे, चाहे वह जो है लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किसी भी लाइन पर हो, वर्टिकल लाइन पर हो या हॉरिजेंटल लाइन पर हो। तो चलिए फिर से इस पर जो है सो हम लोग आते हैं इस कॉन्सेप्ट पर, अभी जो है थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं। देखिए अब जो है इस कंपाउंड को मैं फिर लिख देता हूं और इस पर फिर प्रॉब्लम में देखता हूं। जैसे यहां COOH, यहां पर OH ग्रुप लगा हुआ है, अब देखिए या फिर इसको आप ऐसे कीजिए, यहां पर COOH लिखिए, यहां पर क्या होगा, यहां पर CH3 होगा, यहां पर H होगा, तो यह जो है फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको लिखेंगे क्या, इसको ऐसे लिख दीजिए, इसको लिखेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी, यह सेकंड प्रायोरिटी, और ये क्या होगा थर्ड प्रायोरिटी, यह फोर्थ प्रायोरिटी, और अब जो है वन से टू के तरफ जब मूव करेंगे, वन से टू, वन से टू, वन से टू के तरफ जब मूव करेंगे तो इधर से मूव करेंगे, इधर से कभी भी मूव नहीं करेंगे, इधर से मूव करेंगे, इधर से नहीं जाएंगे, ध्यान रखेंगे। और ऐसे स्थिति में फिर जो है अब यह देख लेंगे कि यह जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप किस पर है, तो यह जो है वर्टिकल लाइन पर है, और जब वर्टिकल लाइन पर है तो क्लॉकवाइज में जब चलेंगे तो क्या देगा, आर कॉन्फ़िगरेशन, एंटी क्लॉक में जब चलेंगे तो एस कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां से आप देखिए कि वन से टू के तरफ जब जा रहे हैं, किधर से जा रहे हैं, फोर्थ ग्रुप के तरफ से, थर्ड ग्रुप के तरफ से नहीं जाएंगे, यानी थर्ड प्रायोरिटी के तरफ से नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि जब ये वर्टिकल लाइन पर है लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, और ये किधर से जा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, आर कॉन्फ़िगरेशन। तो यह जो प्रॉब्लम जो है, बस दो तीन चीज को ध्यान से, इसको ध्यान से देखेंगे और ये इसको ब्रेन में सेट कर लेंगे, तो यह इस पर जैसे किसी तरह का प्रॉब्लम जब आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। और ये जो है फिशर प्रोजेक्शन, और मैं इसी के बाद जो है सो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि यह जो वेजडस प्रोजेक्शन क्या होता है, बस इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।